मामला ऐसा है। आइए एक रवायत है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा है, मूसा हमें कोई नहीं देख सकता लेकिन मेरा महबूब मुझे देखेगा और उसकी उम्मत। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह हमें भी उस महबूब को उम्मती कर दे। अल्लाह ताला ने कहा कि ये दुआ कबूल हो गई। फिर अल्लाह ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मूसा अलैहिस्सलाम के सामने बहुत तारीफ की, फिर कहा कि उसको मैं अपने नूर खास से बनाऊंगा, मैं अपने नूर से उनको पैदा करूंगा। जब ये बात मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को बताया कि अल्लाह ताला ने मुझे बताया कि आखिरी ज़माने में मैं अपने महबूब को पैदा करूँगा और उसको मैं अपने नूर से पैदा करूँगा, नूर से बनाऊँगा, तो उनकी उम्मत कहने लगी कि फिर तो अल्लाह का नूर कम हो जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई अल्लाह का जितना नूर है उतना ही रहेगा, कम नहीं होगा। कहा ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ तक उन्होंने मिसाल दी जो आज के लोग कहते हैं कि उस जमाने के लोग जाहिल थे, बेवकूफ़ थे, अनपढ़ थे। जाहिल और बेवकूफ़ अनपढ़ नहीं थे, उस जमाने के लोग बड़े होशियार और बड़े काबिल और बड़े समझदार थे। ये तुम अपने अंदाजे से ही कह रहे हो। उन लोगों ने मिसाल पेश की कि सुई, बेशक सुई चिकनी है, वो पानी नहीं पिएगी, लेकिन अगर सुई को पानी में डाल के निकाला जाए तो जो उसमें नमी लग जाएगी कम से कम इतना तो नूर अल्लाह का कम हो जाएगा। हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इतना भी नूर कम नहीं होगा। बोला हमारे समझ में नहीं आता, आप हमको जरा सही समझाएं। मूसा अलैहिस्सलाम ने जाकर हुजूर पर अल्लाह से कहा, या बारी ताला, ये बंदे कहते हैं कि अल्लाह का नूर कम हो गया, इसलिए उसने जब अपने महबूब को अपने नूर से बनाया तो उसका नूर कम हो गया। हम मानते ही नहीं, समझाते हैं लेकिन नहीं मानते। तो अल्लाह ताला ने कहा है, मूसा फला फला जंगल ने मुझसे दुआ की कि बारी ताला मेरे अंदर भी कभी इंसान आएंगे, वो जंगल इतना घना जंगल है कि उसके अंदर सूरज की रोशनी नहीं दाखिल होती, अंधेरा रहता है और इसी डर से उसके अंदर इंसान नहीं जाता। अल्लाह ताला ने उस जंगल की दुआ कबूल कर ली और कहा अच्छा, हम कभी इंसान को तुम्हारे अंदर देखेंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तरकीब बनाई कि आप अपने तमाम कौम से ये कह दें कि अपने अपने घरों से चिराग में तेल डालें और उसमें बत्ती लगाएं और वो बत्ती लगा के चिराग लेके जंगल के फला जगह गेट पर आ जाए और हम वहीं मिलेंगे। सारी कौम को आप कह दीजिए, मर्द औरत सब, लिहाजा वो मर्द औरत जितने भी थे सब के सब जाना वो चिराग लेके उस तारीख में उस टाइम में वहाँ पहुँच गए। जब वहाँ पहुँच गए तो देख रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम एक बहुत बड़ा चिराग उसमें तेल और बत्ती लगा के और चिराग रोशन करके बैठे हुए हैं। जो आ रहा है उसको आप कह रहे हैं कि मेरे चिराग से अपना चिराग जलाओ और जंगल के अंदर जाके रख के आ जाओ। अब जो भी आ रहा है वो चिराग से मूसा अलैहिस्सलाम के अपना चिराग जलाता है और जंगल में ले जाके रख के आ जाता है। देखते देखते सारा जंगल जगमगाने लगा, इतनी रोशनी उसके अंदर हो गई। फिर आपने सबको जमा करके फरमाया कि तुमने इतने चिराग तो हमारे चिराग से जलाए, क्या हमारे चिराग की रोशनी में कोई फर्क आया? बोला नहीं। फरमाया बस इसी तरह से
अल्लाह ताला ने अपने कुदरत से अपने महबूब का नूर पैदा किया और उसके नूर में कोई कमी नहीं है। आज लोग नूर का सरकार को मानते ही नहीं, ऐसे भी नालायक पैदा हो गए हैं। क्या तुम पढ़ते नहीं क्या हज़रत बीबी हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती कि जब हमें कमरे से कोई सामान लेना होता था, अंधेरा होता था, तो हम सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेके और कमरे में चले जाते और जो चीज़ लानी होती थी ले आते। क्या आपने ये नहीं पढ़ा क्या हज़रत बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि सरकार जब कमरे में होते तो सारी चीज़ें नज़र आती, रोशनी होती, यहाँ तक कि सरकार के हाथ बंधे या गोली साफ नजर आती। क्या आपने ये नहीं सुना कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी ज़ोर से मुस्कुरा देते और आपके दंदान मुबारक ज़ाहिर होते तो दीवार में बिजली की तरह चमक जाती, तो ये रोशनी नहीं तो क्या है, नूर नहीं है तो क्या है, रोशनी मानते नूर नहीं मानते है? समझ की बात अल्लाह ताला ने बताया। तो जिस वक्त सरकार दो आलम सल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए उसके बाद में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला खिलाफत संभाली। जब आपका आखिरी टाइम हुआ तो लोगों ने हज़रत अली करमल्लाह अज़्ज़ा से पूछा कि आप बताइए इनके लिए क्या किया जाएगा। फरमाया कि हम क्या बताएंगे, इनको गुस्ल देंगे, जनाजा पढ़ा के सरकार के रोज़े के सामने रख दो, जो सरकार हुकुम फरमाएंगे बस वही ठीक है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब वहाँ ले जाके सरकार के सामने रखा रोज़े के, तो आवाज़ आई लाओ यार को यार के पास। अब ये हुआ कि भाई हुजूर के रोज़े के अंदर हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दफनाना है। अब ये हज़रत अली करम लोग भी बताएंगे किस जगह पर दफनाना है, क्यों, इसलिए कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया था कि ईसा इब्न मरियम को मैंने अलैहिस्सलाम को ये दर्जा दिया कि जब वो दुनिया में आएंगे और मेरी उम्मत में दाखिल होंगे तो जब दुनिया से वो जाएंगे तो उनको मेरे कदमों में दफनाना, ये दर्जा मैंने उनको दिया है। यानी मकसद यानी मेरे कदमों में सिवाय ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के किसी और को न दफना देना। लिहाजा हज़रत अली करमल्लाह अज़्ज़ा को मालूम था, इसलिए सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सरकार के दाएं साइड पे थोड़ी सी जगह निशान ले लिया, यहाँ दफना दिया कदमों से थोड़ा। जब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए तो उनके भी मैयत को ले जाके सरकार के रोज़े मुबारक के सामने रख दिया गया। फिर आवाज़ आई लाओ यार को यार के पास। फिर हज़रत अली करमल्लाह अज़्ज़ा ने निशान लगाया कि यहाँ पर इनको दफनाया जाए। जब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद किए गए तो उनके बारे में भी हज़रत अली करमल्लाह अज़्ज़ा ने यही फरमाया, उनको भी ले जाके वहाँ रख दिया गया, उनके बारे में कोई आवाज़ नहीं आ रही। हज़रत अली करमल्लाह अज़्ज़ा बड़े परेशान थे, आप इधर उधर घूम रहे, चहलकदमी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि या अल्लाह क्या राज और हिकमत है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत चाहते थे, हद से ज़्यादा चाहते, पता नहीं क्या बात है कि कोई जवाब नहीं आया, कोई आवाज़ नहीं आई। लोगों ने कहा कि बहुत देर हो गया, पता नहीं क्या राज हुकूमत है, आप कुछ बताइए। हज़रत अली करमल्लाह ने फरमाया कि मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। फिर आपने फरमाया अच्छा ऐसा करो तुम इनको जन्नतुल बकिया में जाओ।
जब हजरत को जन्नतुल बकिया में दफना दिया गया तो रात को देखा कि सरकार दो आलम सल्लम तशरीफ लाए और हजरत अली करमल्लाहु को मुखातिब करके कह रहे हैं, अय अली तूने क्या जुल्म किया कि उस्मान को मेरे पैरों में सुला दिया, तुझे इसके दर्जे और मरातिब के बारे में मालूम नहीं है। या सुना मुझे नहीं है। फरमाया कि अल्लाह ताला ने इसको यह दर्जा दिया कि जहां भी इसकी मजार होती कयामत तक जितने गुनहगार वहां मुसलमान मरते सब इसके हिस्से में जन्नत में जाते, अल्लाह ने इसको यह दर्जा दिया और तुमने मेरे पहलू में लिटा दिया जबकि मैं यहां हूं, अबू बकर और उमर यहां है। मकसद यह नहीं है कि यहाँ का गुनहगार भी सब ऐसे ही जन्नत में चले जाए। सरकार कैसे तो फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मेरे जरा भी इल्म गुमान में ये बात आ जाती कि अल्लाह के नजदीक उस्मान का इतना बड़ा मुकाम है तो मैं उस्मान को मशरिक में ले जाके दफनाता ताकि मशरिक में पैदा होने वाले तमाम गुनहगार उस्मान के हिस्से में आते हैं। समझ लीजिए इन असहाब के मामलात को देखिए, हजरत अली करमल्लाहु के बारे में भी यही है, एक शख्स को लोगों ने मुकर्रर किया शहीद करने के लिए है? तो आपने उसको आते ही देखते ही कह दिया कि अब लोग मुझे शहीद करना चाहते हैं। वो आने वाला इतना ठीक था कि कहता है अली आपका अगर मुझ पर शक हो तो ये तलवार मेरी हाजिरी अपने हाथ से आप मेरा सरकार समझे। आपने फरमाया कि हमने तुम्हारा नाम नहीं लिया, हमने एक बात कही डाल दिया, उसने रहने की इजाजत चाहिए आपने हुकुम दे दिया ठीक है। काफी दिन तक रहा और तरह तरह से हर में इस्तेमाल करता रहा हजरत अली करमल्लाहु वजह को शहीद करने का, लेकिन कोई मामला कामयाब नहीं। यहाँ तक सोते हुए कई दफा हमला किया तलवार ने नहीं काटा, यहाँ तक नमाज की हालत में कई दफा हमला किया तलवार ने नहीं काटा। एक दिन सरकार अली करमल्लाहु वजह तनहा बैठे हुए थे, कोई और साहब ही नहीं थे, कोई साहब नहीं थे, ये आ गया और आगे कहने लगा कि ऐ अली आपको तो कोई शहीद नहीं कर सकता। आप मुस्कुराए क्योंकि आपको तो मालूम था कि कई दफा ये हरकत कर चुका है, लेकिन आपने कभी कहा ही नहीं। सोचा कि ये बड़ा बेताब है मुझे शहादत का दर्जा देने के लिए तो इतना बड़ा दर्जा मैं क्यों छोड़ूं, चलो इसको बताया देता हूँ राज क्या है। हजरत अली करमल्लाहु वजह ने उसको कहा देखो भाई सुनो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के लिए गए थे वहां से आए तो एक मार्फत का नूर लेके आए और वो उन्होंने मेरे सीने में डाल दिया, इसलिए मुझे कोई चीज असर नहीं करती। लेकिन हाँ एक वक्त ऐसा होता है कि उस वक्त असर हो सकता, वो वक्त बता दीजिए। तो आपने फरमाया कि जब मैं सजदे में सर रखता हूं तो अली बंदा अल्लाह मौला, अली बंदा अल्लाह मौला, और जब मैं सजदे से सर उठाता हूं तो फिर अली मौला अल्लाह मौला, इसलिए कोई चीज असर नहीं करता। अच्छा समझ में आ गया। बस उसी दिन नमाज के लिए जब आप गए तो आपके पीछे एकदम खड़ा हो गया एहतियात से वो सजदे पर हमला करेंगे। जैसे ही हजरत अली करमल्लाहु वजह सजदे में गए उसने एकदम तलवार निकाला और हमला किया
और बहुत गहरा सर मारा। इतने में बॉडी गार्ड जो थे उन्होंने नियत तोड़ के उसे पकड़ लिया। तो जब मारने की कोशिश की तो हजरत अली करम अल्लाह तआला ने फरमाया, नहीं नहीं इसको नहीं मारना, इसने मुझ पर एहसान किया, इसको नहीं मारना, इसको ऊंची जगह पर बैठा लो और मेरी तरफ से शुक्रिया में एक शरबत का गिलास पेश करो। तो जब ऊंची जगह पर हुक्म के मुताबिक बैठा कर एक शरबत का गिलास पेश किया गया तो वो सार सार रोने लगा। लोगों ने बोला, भाई अब क्यों रोता है? तो कहता, मुझे मालूम होता कि ये इस तरह के बंदे अल्लाह के तो मैं ये हरकत कभी ना करता। हजरत इमाम हसन अलैहि सलाम वहां मौजूद नहीं थे जब वो आए, तो उन्होंने कहा, बाबा जान मैं तुझसे बदला लूंगा, इसने मेरे बाप को मारा। आपने फरमाया, माफ कर दो, बदला अच्छा नहीं है। कहा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई इमाम हसन अलैहि सलाम कि नाना जान का फरमाने बदला ले सकते। हजरत अली करम अल्लाह जी ने इरशाद फरमाया कि बदले की पूरी शरह आपको मालूम है? बोला नहीं। फरमाया, बदले की शरह ये है कि जहां मेरे जर्ब लगी है एंड ठीक उसी जगह उसके जर्ब लगने चाहिए, दाएं बाएं आगे पीछे नहीं। जितना गहरा जख्म मेरा है उतना ही गहरा जख्म होना चाहिए, और जितना लंबा जख्म मेरा है उतना ही लंबा जख्म, न कम न गहराई कम न ज्यादा न लंबाई कम न ज्यादा। और एक ही हाथ में, बोले इतना सही तो कोई नहीं मार सकता। बोले इसीलिए तो आपसे कह रहे मां, आप समझ में आ रहा है? ये वो लोग थे कि जो कुरान पढ़ते थे, दीन जानते थे, इनके दराजात जानते थे, तो इन्होंने ऐसा किया क्यों? इन्होंने नहीं किया। ये वो मुसलमान है कि जो शरीयत से भागे हुए थे, अमल नहीं सही करते थे, बदअमली में रहते थे, सिर्फ नमाज नमाज पढ़ के जान छुड़ाते, इसलिए इन पर शैतान गालिब रहता, जैसा चाहता था शैतान इनसे कराता, बाद में ये पछताते। शैतान भी जिन की औलाद है, जिस तरह जिन इंसान पे सवार होता है तो इंसान का अख्तियार खत्म हो जाता है, इसी तरह शैतान जब किसी पर गालिब आता है तो उसका अपना अख्तियार खत्म हो और उसी के हाथ से वो काम करा दे। बाद में जब वो शैतान निकल जाता है, फिर वो सोचता है, उसकी अकल काम करती है, फिर मातम करता है, रोता अफसोस करता है। तो तुमने ऐसा अमल ही क्यों किया जो शैतान तुम पर गालिब आया? क्यों तुम नहीं रहे हर वक्त बावजूद, क्यों तुम नहीं हर वक्त अल्लाह के जिक्र में रहे, कल मैं तैयब पढ़ते रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, क्यों तुमने अमल नहीं किया? अगर तुम ये अमल करते रहते, बावजूद रहते, मजाल थी शैतान तुम मन से एक दिन का तो हिलवा लेता। अब कयामत के दिन यही बैठना होगा, ठीक है शैतान ने तुम्हारे हाथ से काम कराया, तुमने नहीं किया उसने कराया, लेकिन तुम ऐसे रहे क्योंकि वो तुम पर गालिब आया और ये काम उसने तुमसे करवाया, जबकि वो जानते थे कि हजरत उमर के बारे में अल्लाह ने कहा, जहां मेरा उम्र होगा वहां से शैतान नहीं गुजरेगा, ये जानते हुए शहीद किया है। ऐसे हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में जानते थे कि ये जन्नती हैं, इनके लिए बशारत आ चुकी है, उसके बावजूद शहीद किया। हजरत अली करम अल्लाह अजु के बारे में जानते थे ये शेर खुदा, ये इन पर अल्लाह की खास रहमत है। सरकार ने फरमाया कि जिस इल्म का मैं शेर अली उसका दरवाजा है, यानी जो इस इल्म को हासिल करना चाहेगा अली के नस्बत के बगैर हासिल नहीं कर सकता।
ये मार्फत की बात है। तो जब वो जानते थे फिर भी उन्होंने अमल किया, क्योंकि शैतान तो ईमान वाले का, वली अल्लाह का, नेक और बुजुर्ग लोगों का, परहेजगार लोगों का दुश्मन है, गुनहगारों का दुश्मन नहीं है। लोग कहते जी, कई लोगों से मैंने सुना कि हम मुसलमान हैं, हम पर शरीयत ये हुक्म देती है, लेकिन हमारे बेईमान होते हैं और काफिर बहुत साफ सुथरे काम करते हैं, ऐसा क्यों? तो हमने उन्हें बताया कि शैतान को मालूम है ये काफिर है, सीधा जहन्नुम में जाएगा, उसका कोई अच्छा अमल उसके काम में ही नहीं आएगा, इसलिए शैतान उनको नहीं बहकाता। और मुसलमान के बारे में वो जानता है ये सीधा जन्नत में जाएगा, इसको ऐसा बहकाओ कि ये खुदा का खुद मुजरिम वहां पहुंचे और सजा खाए। तो ये ऐसी बात है। अब हमारे अगर हम सही शरीयत के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करेंगे और अल्लाह उसके रसूल के इताअत नहीं करेंगे तो शैतान हम पर गालिब रहेगा, जिन हम पर गालिब रहेगा, शयातीन गालिब रहेंगे, मोकलीन गालिब रहेंगे। क्यों? कि तुम्हारा दर्जा तो फरिश्तों से बुलंद है, अगर अमल करो तब, और अगर तुमने इताअत से तुम निकल गए, अतीउल्लाह अतीउर रसूल से निकल गए, तो फिर तुम सबसे कमजोर है, सभी तुम पे गालिब आ जाएंगे। वाह Yeah.